एकदम लेटेस्ट अपडेट ओआरओपी लाभार्थियों के लिए। जी हाँ, जितने भी हमारे पेंशन धारक व पेंशन भोगी देख रहे हैं, आज इन्फॉर्मेशन निकल के आखिर आ ही गई वन रैंक वन पेंशन पे। जी हाँ, सबसे पहले बता दे, ये कोर्ट ऑर्डर 27 फरवरी 2023 को था और अब निकल के आ रहा है इसका निष्कर्ष। तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास पूरा लेटर निकल के आ गया है। वन रैंक वन पेंशन की दो बड़ी खबर देखेंगे, एक तो ये हो गई और एक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 7 अप्रैल 2023 को 11 बजे इसे लॉन्च किया गया है मेजर जनरल सतवीर साहब के द्वारा, जो कि वन वन पेंशन की लेटेस्ट अपडेट है। तो आज दो अपडेट पे बात करेंगे। सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूले, ताकि कोई भी भूतपूर्व सैनिकों को उनका हक, उनका जितना भी वेलफेयर है, उनको सही टाइम पे प्रोवाइड किया जाए। आप देख रहेंगे स्क्रीन पर 7/4/2023 को हम हैं और आज के दिन आपके लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दिया होगा आपने। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पीसीडी की तरफ से निकल के आया है एक लेटर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे द प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट का एक लेटर हमारे पास आया हुआ है, जिसमें यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात की गई है ओआरओपी का, जो कि सामने आ गया है लेटर पर। सभी भूतपूर्व सैनिक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ताकि आपको हमेशा इसका अपडेट हम लोग देते रहे। देखिए, योर ग्रीवेंस रजिस्टर नंबर, हमारे किसी भौजी भाइयों ने 3 मार्च 2023 को एक ग्रीवेंस डाला था, मतलब शिकायत दर्ज की थी या किसी तरह की उनको जानकारी चाहिए थी, जिससे एक बहुत बड़ी उजागर होती है इंफॉर्मेशन। प्लीज रेफर टू योर ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन, जैसे कि इसमें बताया गया है, इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेट दैट मैटर रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ एरियर ओआरओपी टू रिवीजन एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की 27 फरवरी 2023 इन अंडर रिकंसिडरेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज एंड वेन नेसेसरी। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको एक चीज बता दें कि जैसे भूतपूर्व सैनिक अपना वेट कर रहे हैं अपने एरियर का, तो 30 अप्रैल, जो 30 अप्रैल है, उससे पहले आपको फैमिली पेंशनर को और ग्रेंट्री अवार्ड को उनका एरियर मिलेगा। साथ ही आप लोग को बता दें कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ जुड़े हुए, आप लोग ध्यानपूर्वक हर एक न्यूज को सुने, ताकि आपको अपडेट पता चल पाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे @DefenseMinisterOfIndia को, @ADGPI को, @PMO को यहाँ पे, और इंडियन एयरफोर्स MCC और इंडियन नेवी को टैग किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमारे मेजर सतवीर साहब इंडियन एक्स सर्विस के चेयरमैन है, और चेयरमैन होने के नाते इन्होंने एक बहुत ही बड़ी आज एक इन्फॉर्मेशन साझा की है, जो कि आप देख रहे हैं पूरा लेटर भी निकल के आया। लेटर एक है, लेटर दो, लेटर तीन, किस किस मुद्दे पे बात की है मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना कि इन्होंने लिखा क्या है। ओआरओपी अपडेट, रिजोल्यूशन ऑफ एनोमलीज, लेटर रिटन टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, चीफ सेक्रेटरी एंड एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मतलब कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को, प्रधानमंत्री को और रक्षा मंत्री को, इन्होंने 31 मार्च को इन्होंने एक लेटर लिखा था। 31 मार्च का लेटर हम आपको दिखाएंगे भी, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से टू रिजॉल्व ऑल एनोमलीज अर्लीएस्ट, मतलब जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो पाए हमारे भूतपूर्व सैनिकों को न्याय मिले और एनोमलीज ठीक किया जाए, सुधार किया जाए। जो डिस्क्रिपेंसीज थी, जो आपका वेरिएशन आ रहा है अमाउंट का, जितनी भी विसंगतियां हैं, उसको दूर करके हमारे भूतपूर्व सैनिकों को सौगात दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक स्लोगन का यूज किया, स्लोगन मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सड्डा हक एथे रख, सड्डा हक एथे रख, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, जय हिंद भी लिखा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे जय हिंद भी इन्होंने लिख दिया है। साथ ही अब चलिए लेटर पे आते हैं, और अभी भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि अपडेट मिलते रहे। इसमें